फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीएनसी के बाद जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कैसे पहचाने। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आज मैंने बैठ के सब लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई किए हैं। अप्रॉक्स 300 मैसेजेस थे जिनके मैंने रिप्लाई किए हैं। तो आई होप वो रिप्लाईज आपको मिल गए होंगे। मैं वेकेशन पे थी तो इसलिए मैसेजेस के रिप्लाई थोड़े डिले आ रहे थे, बट अब मैं वेकेशन से वापस आ गई हूँ तो अब वीडियोस और रिप्लाईज आपके ऑन टाइम आएंगे। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड कीप कमेंटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आपका डीएनसी होता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपको इन्फेक्शन होने के। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है डीएनसी के बाद तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं, उसके कुछ लक्षण हैं, वो क्या क्या लक्षण हैं, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपको डीएनसी के बाद बहुत हाई ग्रेड फीवर आया है, मतलब आपको बहुत तेज बुखार आया है, तो ये भी एक आपका लक्षण है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट जो लक्षण जो सबसे कॉमन माना जाता है वो ये है कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज होगा, उसमें बहुत अजीब तरह से बहुत गंदी स्मेल आएगी। अब जो फीमेल बॉडी होती है, हमें पता है कि हमारा जो वजाइनल डिस्चार्ज है आपके वजाइना को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, वो बाहर के इन्फेक्शन और चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो पूरे महीने में ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है ये अलग अलग कंसिस्टेंसी का हो सकता है, अलग अलग अमाउंट का हो सकता है। पर अगर आपकी डीएनसी हुई है और उसके बाद आपको कुछ अनयूजुअल सा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है वो, और वो उस डिस्चार्ज में बेसिकली जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो इट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट, आपको बहुत सीवियर पेन है और जो वो पेन है वो विद टाइम कम नहीं हो रहा, वो जैसे जैसे टाइम जा रहा है, दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वो पेन बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है। देखिए, जो आपके क्रैम्पिंग होती है जो आपको डीएनसी के बाद हो सकती है, वो थोड़ी बहुत हल्की मलका सा पेन, हल्का मलका क्रैम्पिंग हो सकती है एक दो दिन के लिए, लेकिन 48 आवर्स के बाद आपका पेन क्रैम्पिंग सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है डीएनसी के बाद। बट आपको अभी भी बहुत सीवियर पेन है और वो पेन आपसे सहन नहीं हो रहा है, आप अपनी डे टू डे रूटीन की लाइफ आपकी अफेक्ट हो रही है, आप अपने डे टू डे वाले काम नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अंदर इन्फेक्शन हो गया है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसके अलावा आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। जो ब्लीडिंग है अब उसको कैसे कि आपको हर एक घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है और आपको इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग है। देखिए, जो डीएनसी प्रोसीजर है उसके बाद इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती है। कुछ कुछ महिलाओं को तो उसके बाद जस्ट स्पॉटिंग होती है या फिर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है कि आपको पूरे दिन में दो पैड यूज़ करने पड़े। ऐसा नहीं होता है कि आपको हर घंटे पैड चेंज करना पड़े, बट अगर आपका पैड हर घंटे आपको चेंज करना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। और ये जो इन्फेक्शन है, अब ये क्यों हो सकता है, ये सारे लक्षण हैं जिससे हम बता सकते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि जो आप सेंटर का चूज करें इन्फेक्शन होने से पहले, मतलब इन्फेक्शन से आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक अच्छे सेंटर को चूज करें जहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपके इक्विपमेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल साफ हैं, स्टरलाइज्ड हैं, जो पूरा हॉस्पिटल है वो अच्छे से क्लीन है, तो आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा, आपके जो डॉक्टर हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि प्रोसीजर ठीक तरह से करें, उनको पता है डीएनसी एक ब्लाइंड प्रोसीजर है तो किस तरह से करना है, क्योंकि कई बार डीएनसी में अगर कोई पार्ट रह जाता है तो उसके बाद भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं किया जा सकता और इन्फेक्शन होता ही होता है। तो इसलिए इन दो चीजों का ध्यान रख के आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बट अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से मिलिए इमीडिएटली। जो मैंने आपको सारे लक्षण बताए हैं उनमें से कोई भी आपको है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं इसको, ये मैनेजेबल कंडीशन है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसको टाइम पे क्योर नहीं कराया, आपने इन लक्षणों को इग्नोर कर दिया, आपने डॉक्टर से बात नहीं की, तो ये आपको परमानेंट इनफर्टिलिटी भी दे सकता है, आपके जो आपके अंदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनको कंप्लीटली खराब कर सकता है।
तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो मैंने चीजें बताई हैं उनमें से कोई भी अगर आपको हो रहा है, कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आपके डॉक्टर डीएनसी के बाद आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो आप उनसे लिखवाइए कि हमें एंटीबायोटिक्स दी जाए, और डॉक्टर की दी हुई सारी दवाइयों को ऑन टाइम लीजिए और कंप्लीट कोर्स कीजिए। ऐसा नहीं है कि 5 दिन की दवाई दी गई है तो आप सिर्फ 2 दिन दवाई लें या 3 दिन लें, ऐसा नहीं कीजिए। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको कि कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपको डीएनसी के बाद इन्फेक्शन हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिले। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे उन लोगों के लिए भी वीडियोस हेल्पफुल हो। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए जिससे और जो फीमेल्स हैं या और जो पेरेंट्स हैं या जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन सबके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच।